नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। दारुल सफा लखनऊ का सबसे पॉश एरिया है, यहाँ पर ज्यादातर विधायक ही रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के नए लोक भवन के पीछे का इलाका है। दारुल सफा की दूसरी तरफ लखनऊ का सबसे पॉश हजरतगंज का जनपद मार्केट है। दारुल सफा के ही फ्लैट नंबर B137 में एटा के MLC व उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव की दूसरी पत्नी मीरा अपने दो बेटों अभिषेक और अभिजीत के साथ रहती थी, जबकि रमेश यादव 12 कालिदास मार्ग पर अपने सरकारी आवास में रहते थे। रविवार की सुबह मीरा सोकर उठी तो उसे छोटा बेटा बेहोशी की हालत में मिला। ये देखकर वो घबरा गई। पति से उसकी अनबन चल रही थी, इसलिए मीरा ने अपने दूसरे बेटे अभिषेक को फोन किया। अभिषेक यादव उस समय दारुल सफा से कुछ दूरी पर नरही स्थित दूसरे फ्लैट में रहता था। वो तुरंत माँ के पास आया और अपने भाई के कमरे में गया। जब उसने भाई का हाथ पकड़ा तो उसकी नब्ज गायब थी, उसे लगा कि वो मर गया है। सुबह करीब 7 बजे मीरा के फ्लैट पर नौकर गया था, उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, इसके बाद भी मीरा ने दरवाजा नहीं खोला तो नौकर वापस चला गया। इसके बाद ही मीरा ने बड़े बेटे अभिषेक को फोन किया था। अभिषेक के आने के बाद सभी को यह पता चला कि अभिजीत की मौत हार्ट अटैक से हुई है। आनंद फानन मीरा और उसके परिवार के लोगों ने अभिजीत के दाह संस्कार करने की योजना बना ली। मामले की सूचना दारुल सफा पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिस वालों तक पहुंची तो चौकी इंचार्ज ने यह जानकारी हजरतगंज थाने को दे दी। थाने से पुलिस जब दारुल सफा में मीरा के फ्लैट पर पहुंची तो मीरा ने पुलिस को बताया कि अभिजीत की स्वाभाविक मौत हुई है। मीरा ने पुलिस को बताया कि अभिजीत देर रात घर आया तो उसने सीने में दर्द होने की बात कही, उसे लगा कि पेट में गैस बन गई होगी। उसने अभिजीत के सीने पर दवा लगा दी, इसके बाद वो सो गया तो वो भी सो गई। सुबह जब वो सोकर नहीं उठा तो उसने बड़े बेटे अभिषेक को बुलाया। अभिषेक के आने के बाद पता चला कि अभिजीत की मौत हो चुकी है। पुलिस को मीरा और परिजनों ने स्वाभाविक मौत की बात बताई और दाह संस्कार कराने के लिए मना लिया। पुलिस ने भी उन पर पोस्टमार्टम कराने का कोई दबाव नहीं डाला। इसके बाद घर वाले सबको लेकर दाह संस्कार के लिए बैकुंठ धाम के लिए निकल गए। अभी वो लोग घर से 1 किलोमीटर दूर सिकंदर बाग चौराहे के नजदीकी पहुंचे थे कि पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने उन्हें रोक लिया। इस बीच पुलिस के बड़े अफसरों को शिकायत मिली थी कि अभिजीत की मौत संदिग्ध है, उसकी हत्या की शंका जाहिर की गई थी। इस पर बड़े अफसरों और लखनऊ के SSP कलानिधि नेथानी ने सबको दाह संस्कार करने से पहले ही रुकवा दिया। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। रविवार की देर शाम अभिजीत के शव का पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अभिजीत की हत्या गला दबाकर की गई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने अभिजीत के बड़े भाई अभिषेक की तहरीर के आधार पर धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने परिवार के सभी लोगों से बात की, इसमें सबसे अधिक संदिग्ध अभिजीत की मां मीरा दिख रही थी। पुलिस पूछताछ में मीरा अलग अलग बयान देने लगी, अपने बयान की पुष्टि के लिए वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई थी। ऐसे में पुलिस के शक की पुष्टि हो गई। लखनऊ पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर ही अभिजीत की हत्या के आरोप में उसकी माँ मीरा को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से मीरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जांच में पता चला कि मीरा यादव और रमेश यादव की पहली मुलाकात सन 1984 में हुई थी। उस समय रमेश यादव MLC थे। मुलाकात के बाद दोनों करीब आ गए। बाद में रमेश यादव ने मीरा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मीरा के पिता बैंक में मैनेजर थे। मीरा ने MA और LLB की पढ़ाई की थी। सन 1986 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद रमेश यादव ने उसके रहने की व्यवस्था लखनऊ के दारुल सफा स्थित अपने आवास पर कर दी। मीरा दो बच्चों अभिषेक और अभिजीत की मां बनी। मीरा पर्यटन विभाग में क्लर्क के रूप में काम करती थी, लेकिन साल 2012 में रमेश यादव ने उसकी नौकरी छुड़वा दी थी। समय के साथ उनके और मीरा के बीच दूरियां बढ़ने लगी। वो मीरा को खर्चे के लिए पैसे भी कम देते थे। रमेश यादव खुद कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास में रहते थे। दारुल सफा स्थित आवास में उनका आना जाना नहीं होता था। रमेश यादव वैसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला एटा के रहने वाले थे। वो ज्यादातर समय वहीं गुजारते थे। मीरा का बड़ा बेटा अभिषेक कंस्ट्रक्शन का काम करता था।
उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी थी। छोटा बेटा अभिजीत अपनी पढ़ाई के साथ दूसरे काम करता था। वो कभी किसी काम में सफल नहीं हुआ था। परेशानी बस ये थी कि वो नशे का शिकार हो गया था। अभिजीत को लगता था कि उसे जितना पैसा मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है। इसे लेकर उसका अपनी माँ के साथ अक्सर झगड़ा होता था। झगड़े में अभिजीत माँ द्वारा रमेश यादव के साथ की गई शादी को लेकर भी ताने मारता और उसके चरित्र पर भी सवाल उठाता था। मीरा को ये बातें बहुत बुरी लगती थी। मीरा ने अपने गहने बेचकर बेटे को कुछ बिजनेस शुरू कराया, पर वो सफल नहीं रहा। दशहरे के दिन भी अभिजीत ने अपनी माँ से पैसे मांगे और ना मिलने पर झगड़ा किया। इतना ही नहीं, उसने माँ को मारा पीटा भी था। मीरा भी बार बार पैसे देकर थक चुकी थी। लखनऊ के SSP सर्वेश कुमार मिश्रा के अनुसार पुलिस को दिए गए अपने बयान में मीरा ने कहा, अभिजीत शराब पीने का आदी था। आए दिन शराब पीकर वो हंगामा करता था। वो रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी। शनिवार की रात करीब 11 बजे अभिजीत शराब के नशे में धुत होकर घर आया और आते ही गाली गलौज करने लगा था। मीरा को लगा कि दशहरे वाले दिन की तरह वो फिर से उसके साथ मारपीट करेगा। उस दिन इस सबसे डरी मीरा ने अभिजीत को थप्पड़ मारे और धक्का दे दिया। अभिजीत दरवाजे से टकराकर नीचे गिर गया। उसके बाद वो दोबारा उठा और माँ से हाथापाई करने लगा। तब गुस्से में आकर मीरा ने उसे दीवार की तरफ धक्का दे दिया, जिससे वो गिरकर बेहोश हो गया। मीरा को लगा कि वो अभी फिर उठेगा और मारपीट शुरू कर देगा। ऐसे में उसने बेटे के गिरने के बाद अपने दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। मीरा ने हत्या का समय रात करीब 12 बजे बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी मौत का यही वक्त बताया गया था। बेटे को ठिकाने लगाकर वो सोने चली गई। रविवार की सुबह जब अभिजीत के शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी तो मीरा ने समझ लिया कि वो मर चुका है। हत्या के आरोप से बचने के लिए उसने अपने अपराध को छिपाने की कोशिश शुरू की। इस काम में मीरा ने सबसे पहले अपने दुपट्टे को गैस के चूल्हे पर रखकर जला दिया। अभिजीत के गर्दन पर बने निशान को मिटाने के लिए सोफ्रामाइसिन क्रीम लगाई। हजरतगंज पुलिस ने क्रीम और जला हुआ दुपट्टा बरामद कर लिया। एक माँ के द्वारा जवान बेटे की हत्या किए जाने की बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। पुलिस के सामने बेटे की हत्या कबूल करने वाली माँ मीरा ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल करने की बात को गलत बताया। मीरा ने अपने पति और पुलिस पर खुद को हत्या के आरोप में फंसाने का आरोप भी लगाया। मीरा ने कहा कि उसने अभिजीत को नहीं मारा, उससे झगड़ा हुआ था जिसमें उसे चोट लग गई थी। पुलिस ने मीरा को सोमवार 22 अक्टूबर को CGM आनंद प्रकाश सिंह की कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।